गुड मॉर्निंग क्लास। आज हिंदी व्याकरण में मैं आपको पार्ट 23 समुच्च बोधक पढ़ा रही हूँ। समुच्च बोधक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको किस प्रकार से समुच्च बोधक शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं यही बताऊंगी। इसमें पहला है समान शब्दों या वाक्यों को जोड़ना। इनमें समान शब्द होंगे या समान वाक्य होंगे और इनमें और एवं ये दोनों समुच्च बोधक प्रयोग किए गए होंगे। जैसे आज मम्मी और पापा स्कूल आएंगे। अब इसमें मम्मी और पापा और समुच्च बोधक है और दो समान शब्दों को इससे जोड़ा गया है। ऐसे दूसरा है सिंहासन पर सम्राट एवं साम्राज्ञी बैठे थे। यहां पर भी एवं समुच्च बोधक है और इसमें दो समान शब्दों को सम्राट और साम्राज्ञी इन दोनों समान शब्दों को यहाँ पर एवं के द्वारा जोड़ा गया है। दूसरा है विभाजन करना। इसमें या अथवा ये दो समुच्च बोधक लगेंगे। जैसे यह किताब रवि की है या रमेश की है। अब इसमें या समुच्च बोधक है जिससे इनमें आपस में विभाजन पता चल रहा है कि ये चीज रमेश की है या रवि की, यानी कि इन दोनों में से किसी एक की है। दूसरा उदाहरण है इसका छठा प्रश्न करो अथवा दसवां। इसमें अथवा समुच्च बोधक है जो बता रहा है कि आपको या दसवां प्रश्न करना है या छठा प्रश्न करना है, तो ये इन दोनों के बीच एक विभाजन कर रहा है। थैंक यू।